दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं सुना रहा हूँ आपको श्रीमद् भागवत की कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है सृष्टि की व्यवस्था। अब तक आपने जाना कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से नारद को बाहर निकाला। फिर परमपिता ने अपनी सृष्टि को घड़ी दो घड़ी देखा, अपनी रचना पर अभिमान किया और तभी उनके दाएं अंगूठे से कोई पुरुष बाहर निकला। ब्रह्मा के अभिमान से जन्म हुआ प्रजापति दक्ष का। दक्ष को ब्रह्मा ने युगनायक घोषित कर दिया। दक्ष का विवाह राजा वीरण की पुत्री वीरणी से हुआ। श्रीमद् भागवत के अनुसार वीरणी का दूसरा नाम प्रसूति था। दक्ष ने अपनी पुत्री दिति, अदिति, कद्रु, विंता और दनु का विवाह महर्षि मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप से करा दिया। दक्ष ने रोहिणी सहित अपनी 27 कन्याओं का विवाह अत्रि पुत्र चंद्र से कराया। रति नाम की पुत्री का विवाह ब्रह्मा ने कामदेव से कराया। रति और कामदेव ही प्रेम के देवता कहे गए हैं। दक्ष ने अपनी ख्याति नाम की पुत्री का विवाह ब्रह्मपुत्र भृगु ऋषि से करवाया और प्रजापति दक्ष की सबसे छोटी पुत्री, जिसके रूप में स्वयं आदिशक्ति महादुर्गा प्रकट हुई थी, उसका विवाह दक्ष ने देवाधिदेव महादेव से कराया। शिव और शक्ति के मिलन से संसार में संतुलन स्थापित हो गया, किंतु इस संतुलन को शीघ्र ही नजर लग गई। कश्यप की दो पत्नियों के गर्भ से देवताओं और दैत्यों का जन्म हुआ। अदिति के पुत्र देवता सुंदर स्वभाव से धार्मिक और दूसरों के प्रति मददगार थे, किंतु दिति के पुत्र दैत्य इसके पलट ही क्रूर, कुरूप और पाप कर्म करने वाले थे। ये कहानी यही तक, इसके बारे में जानेंगे अगले अध्याय में। सुनते रहिए श्रीमद् भागवत की कहानियां सागर वर्ल्ड के साथ।